के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्ष के कार्यकाल पूरा हुआ है। हम उनका स्वागत करते हैं। अनेकों अनेक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। 30 मई से लेके 30 जून तक हम लोगों को एक लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और एक जबरदस्त जाहिर सभा हमने इस गोरेगांव में लिया है। उसके साथ जो मोदी साहब ने जो लाभार्थियों के लिए जो काम किया है, ऐसे हम लोग लाभार्थियों से मिले हैं और उनकी एक सभा हुई है और साथ में संयुक्त मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, जो अनेक मोर्चा जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम करती है, संगठन बढ़ाने का काम करती है, ऐसा एक हमने संयुक्त मोर्चा लिया जिसमें हमारे पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी आए थे। और उसी के साथ साथ 20 तारीख से लेके 20 मई से 20 जून से लेके 30 जून तक जनसंपर्क, घर घर अभियान, घर घर लोगों से मिलना और मोदी जी के जो 9 वर्ष में उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उसके बारे में लोगों को बताना। और ठीक उसी तरह से 21 जून कल योगा दिवस के रूप में हम लोगों ने अलग अलग जगह पे पूरे मुंबई में, गोरेगांव में, हर वार्डों में मनाया गया। और करीब करीब ये जो पत्रक है मैं आप लोगों को दूंगी, पत्रक करीब 60,000 पत्रक जो लोगों के घर में जाएंगे और मोदी जी के कार्यकाल के बारे में लोगों को जानते हैं। उसके साथ साथ बुकलेट भी हमारे पास है, बुकलेट भी हमने कुछ विशिष्ट कामों का बनाया हुआ है, ये भी हम आपको देंगे। और इस तरह से मोदी जी ने जो काम किए हैं 9 वर्ष में और उसके साथ साथ आने वाले समय में सोशल मीडिया में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, सोशल मीडिया का काम, लोगों के बीच में लोगों से मिलना है, उसी के साथ साथ व्यापारी सम्मेलन, एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन हम लोग इस गोरेगांव और इस जिला में हम लोग कर रहे हैं। साथ में कल 23 तारीख को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये पुण्यतिथि के निमित्त कार्यक्रम होने वाला है और देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी लोगों को संबोधित करने वाले हैं। और 25 तारीख को जो इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी में उस वक्त जो लोग नहीं थे यानी जो युवक हैं जिनका जन्म ही नहीं हुआ था, ऐसे लोगों को और प्रबुद्ध नागरिकों को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मुंबई में 25 तारीख को होने वाला है। और उसी और 27 तारीख को देश के प्रधानमंत्री जी बूथ जैसे मन की बात करते हैं, कार्यकर्ताओं को मिलते हैं, ठीक उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी बूथ पर लोगों से बात करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करने वाले हैं, लोगों से बात करें, वो जूम पर मिलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। एक ऐसा पूरा कार्यक्रम पूरे महीने भर का किया है और इस तरह के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेस किया है। महिला सशक्तिकरण को लेके देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत आज की तारीख में आप देखेंगे तो 1000 लड़के के पीछे 1020 लड़कियां हैं। इतनी बड़ी तब्दीली आई है जहां पर कि 100 लड़कों के पीछे 80 लड़कियां थी, 90 लड़कियां थी, आज 1000 का रेशियो देखेंगे तो वहां पर लड़कियां लड़कों से कहने का मतलब कि आगे हैं। दूसरा अगर आप देखेंगे तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत खास महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 9.5 करोड़ लोगों के घर में कनेक्शन पहुंचा है।
उसके साथ साथ आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 11 करोड़ 72 लाख लोगों को शौचालय मिला, जिसके कारण कि महिलाओं के बोलते ना इज्जत घर उसका नाम दिया गया कि महिलाओं को बाहर में खुले में न जाना पड़े, इसके लिए 11 करोड़ 72 लाख लोगों के लिए शौचालय बनाया गया, जिसमें खास करके महिलाओं के लिए इज्जत घर का ये एक विशेष रूप पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने काम किया है। और मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में अलग अलग ढंग से उन्होंने सोचा है। और दूसरा, गोरेगांव विधानसभा से आप आती हैं, पिछले लगभग 9 वर्षों से आप यहाँ से विधायिका हैं, तो गोरेगांव में क्या विकास कार्य हुए इतने वर्षों में, आपने क्या देखा तब का गोरेगांव जब आपने शुरुआत किया था और आज के गोरेगांव में क्या? गोरेगांव का जो विकास, गोरेगांव का जो डेवलपमेंट, जब 9 वर्ष पहले जब मैं आई 2014 में, उसके पहले मैं नगर सेवक थी, आप लोग सब जानते हैं, मुंबई के लोग जानते हैं। तो जब मोदी सरकार में हम लोगों को, आमदारों को जो लड़ने का अवसर मिला, और देवेंद्र जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के आशीर्वाद से हम लोग सब चुनकर आए आमदार लोग, तो गोरेगांव के जो रुके हुए काम थे, अनेकों काम, बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो काफ़ी समय से रुके हुए थे, उस काम को पूरा करने की कोशिश की। जैसे सबसे पहले जो हमने काम किया कि गोरेगांव सावरकर ब्रिज जो बहुत ट्रैफिक था, उसको एक्सपांसन का काम किया, वो एक्सपांसन हुआ। उसके साथ साथ राम मंदिर का ब्रिज, मृणालताई गोरे ब्रिज, वो काम बहुत 10 साल से रुका हुआ था, उस काम की शुरुआत करवाई और वो काम कंप्लीट किया, आज उसका एक्सपांसन हो रहा है। उसके साथ साथ में आप देखेंगे तो टोपी वाला मार्केट और टोपी वाला नाट्यगृह, ये भी काम मैं तो जब से नगर सेवक चुन के आई हूँ तब से सुन रही थी, लेकिन वो काम हुआ नहीं, आज उस काम उसका भूमि पूजन हुआ और आज वहाँ पे काम की शुरुआत हो रही है। दूसरा, सिद्धार्थ हॉस्पिटल, सिद्धार्थ हॉस्पिटल जब हम लोग आए तो जर्जर अवस्था में थी, अब वो आज वहाँ पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से 220 बेड का हॉस्पिटल वहाँ बनने जा रहा है। ठीक उसी तरह से गोरेगांव स्टेशन के पास पहले एक पुराना मैटरनिटी होम था ज़रूरतमंद लोगों के लिए, लेकिन वो गिरा दिया गया था और उसका कोई काम की शुरुआत नहीं हुई थी, उसको हमने बनाने का काम किया और आज जो ज़रूरतमंद है उनको जहाँ पे वहाँ पे इजी जाके लोग अपना वो मैटरनिटी होम है वहाँ महिलाएं जाती है और इजी उनको सारी सुविधा मिलती है, वो काम किया। गोरेगांव ईस्ट में जो ट्रैफिक की समस्या थी, सबसे प्रॉब्लम ये था कि गोरेगांव के अंदर जो रास्ते थे, जो स्टेशन के बाहर इतनी भीड़ रहती थी, और फिर हमने सामने एक बहुत बड़ा उनका बस डिपो था, पुराना घास का बाजार था, वो घास बाजार नहीं था, पुराना वहाँ पे बाहर से भैंस लाते थे और वहाँ एक रैंप था, वहाँ पर एक बोलते हैं कि भैंस का जो बाजार, वहाँ पे वहाँ से भैंसे लेके जाते थे लोग, एक मेला जैसा था, लेकिन उसको फिर वहाँ पे हमने उसको डीपी रोड बनवाया, वहाँ पे डिपो लाया, जिसके कारण कि बस जो है रास्ते पे न खड़ी होके वो डिपो में चली जाए। आज गोरेगांव ईस्ट का काफ़ी ट्रैफिक की समस्या हमने कम की है। जो सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्ट है बांगूर नगर का, जो विषय है कि आज 100 से भी ज़्यादा बिल्डिंगें हैं लेकिन उस CRZ के अंदर अटकी हुई थी, खास करके वो विषय हमने उसको लिया देवेंद्र जी से, हम लोग उस समय हमारे मुख्यमंत्री थे, वो मिले, आज वो काम पूरा CRZ हटा दिया गया है। सबसे बड़ा जो आज गोरेगांव में हम लोगों को ख्याति मिली है या मुझे जो संतुष्टि है काम करने की कि CRZ निकल गया है, CRZ निकलने से लोगों के, क्योंकि बिल्डिंग गिर रहे थे, अब लोगों की बिल्डिंग की काम की शुरुआत है। मैं अपने DCM साहब को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और मुख्यमंत्री जी का भी अभिनंदन एकनाथ शिंदे साहब का करती हूँ। उसके साथ में आप जानते हैं कि गोरेगांव में जो सबसे बड़ा काम हुआ है, गोरेगांव और ओशिवरा के बीच में अगर आप देखेंगे तो कोई आज़ादी के बाद, ये तो अमृतकाल चल रहा था, अमृत महोत्सव चल रहा है आज़ादी के, लेकिन कोई भी नया स्टेशन नहीं बना था चर्च गेट से लेके दहीसर तक, वहाँ पे हमने नया स्टेशन बनाया और ओशिवरा में, और उसका नाम दिया राम मंदिर। ये जो इस तरह के जो बड़े बड़े जो काम हैं, आज तो आप देखिए कि जो सरकार हमारी है, हमारी देवेंद्र जी हमारे उप मुख्यमंत्री और हमारे शिंदे साहब मुख्यमंत्री जी,
जब से आया, तो पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में विकास के कार्य चल रहे हैं। आज पूरे मुंबई के रास्ते पक्के हो रहे हैं, सिर्फ गोरेगांव में 63 रोड का परमिशन मिला हुआ है। एसटीपी प्लांट, मुंबई जैसे शहर में एसटीपी प्लांट नहीं था, तो ऐसे एसटीपी प्लांट का भी प्रपोजल पास हुआ है, उसके लिए बजट का सेंक्शन हुआ है, उसके काम की शुरुआत हुई है। आने वाले 3 साल के अंदर ये जब पूरा हो जाएगा, तो जो वेस्ट वाटर बिना ट्रीट किए हुए समुद्र में जा रहा था, अब वो ट्रीट होके समुद्र में जाएगा। तो इस तरह के अनेकों कार्य और ब्यूटिफिकेशन देख रहे हैं पूरे रास्ते में। अब लग रहा है कि मुंबई मुंबई जैसी है, सरकार बदली है, पूरा ब्यूटिफिकेशन हो, शौचालय की मरम्मत हो, झोपड़पट्टी में नए शौचालय, रिपेयरिंग, इस तरह से अनेकों काम। और आप देखिए कि कांग्रेस के ज़माने में एक मेट्रो अंधेरी से चलती थी, आज पूरा मेट्रो का जाल बिछा हुआ है। और ऐसे नए अनेक प्रकल्प आज इस गोरेगांव में, मुंबई शहर के अंदर हो रहा है। जैसे 11 महीने हो गए इस नई सरकार को, जी, तो आपको क्या लगता है कि कौन से प्रमुख कार्य हैं जो सरकार ने लिए हैं, कुछ आपने भी बताया कि और काम जो उन्होंने लिए हैं, और खास करके आपने किस कामों के प्रति उनकी यहाँ बताई जो गोरेगांव में आप काम ले आ पाए? गोरेगांव में सबसे पहले तो आप ब्यूटिफिकेशन देख लीजिए, गोरेगांव ही बदला लग रहा है। फिर उसके बाद में ब्यूटिफिकेशन के साथ में जो गोरेगांव में बिल्डिंगें हैं, लेकिन उसके साथ स्लम भी बहुत है, ऐसा आप जाएंगे अंदर देखेंगे स्लम बहुत बड़ा है, हाँ बहुत लंबा स्लम है, खाली बिल्डिंग ही बिल्डिंग नहीं है। गोरेगांव अभी डेवलप हो रहा है, वो डेवलप नहीं हुआ है, अभी डेवलप हो रहा है, यानी बिल्डिंगें बन रही है, स्लम बहुत बड़े पैमाने पर। वहाँ पर शौचालय की जो ज़रूरत थी, शौचालय का काम उन्होंने किया है, शौचालय के मरम्मत का काम किया है। ये गोरेगांव एसटीपी प्लांट का जो मैंने आपको बताया कि वो एक बहुत बड़ा काम है, जो कि छोटे छोटे शहरों में हो गया था, मुंबई जैसे इतने बड़े शहर में नहीं हुआ था। मेट्रो का देखिए, और हर काम को गति, जो आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हर काम को गति, जो हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे DCM सर कर रहे हैं, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। हाँ, और एक विषय जो पत्राचाल का है, जो कि वो काम रुका हुआ था, हमने विधानसभा में 3 बार विषय उठाया था, आज पत्राचाल के लोग खुश हैं, उनको जो उनका थक बाकी था 12 लाख रुपया, वो 300 से अधिक लोगों को, 300 से भी लोगों को पैसा दे दिया गया है, लोगों के अकाउंट में पैसा आया है, ये बहुत खुशी की बात है। ये नई सरकार ने ये काम किया है, क्योंकि पहले की सरकार ने तो भाड़ा देना मना कर दिया था, लेकिन अभी की सरकार ने ये काम किया, इसलिए मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज एक टिफिन, इन्हीं कार्यक्रमों के साथ एक टिफिन वाला भी कार्यक्रम, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी, वो चाहते थे कि एक इसी अंतर्गत लोगों का आपस में कार्यकर्ताओं का मिलना हो अच्छे ढंग से, तो वो सबने आज हर मंडल में टिफिन बॉक्स का कार्यक्रम हो रहा है, पार्टी हो रही छोटी छोटी। तो अभी आज हमने भी SV रोड पे अजंठा हॉल में एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें काफ़ी लोग अपने घर से टिफिन लाएंगे। उसके पीछे एक ही है कि जब मुझे याद है कि जब हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, तो अपना प्रेम बढ़ता है, अपने बीच की दूरी कम होती है। जब हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कैबिनेट के बाद में हमेशा ये रखा था कि भाई सब लोग, सब जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर या जो भी राज्य मंत्री जो भी हैं, क्योंकि हम लोगों को तो महीने में 2-3 महीने में एक बार, लेकिन जब कि सब राज्य मंत्री को बुलाओ भले मत, लेकिन उस दिन सब लोग एक ही जगह बैठ के टिफिन खाएंगे। तो इसलिए नड्डा जी का भी ये था, कभी कभी जो मन की बात में भी हमको पहले से आदेश आता है कि आप अपना अपना टिफिन लेके आइए, अपना नाश्ता लेके आइए, और सब लोग मन की बात देखिए और उसके बाद नाश्ता करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 जी